सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं फिर से एक बार इंडिया और अफगानिस्तान के बीच जो T20 फर्स्ट मैच होने जा रही है उसके बारे में। ये मैच कहाँ पे होने वाला है, पिच रिपोर्ट कैसा होने वाला है, वेदर रिपोर्ट कैसा होने वाला है, एवरेज स्कोर क्या जाने वाला है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ ही कौन कौन से प्रोबेबल प्लेयर हमारे लिए बेस्ट होंगे उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर आपको एक टीम मिल जाएगा जिसमें मिलेंगे आपको 5 से 6 टीमों का कैप्टन, वाइस कैप्टन और फाइनल टीम जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा पिन किया हुआ, तो वहाँ से आप हमें ज्वाइन करें। हमारे नाम से कई सारे फेक आईडी बने हुए हैं तो वहाँ पे आपको नहीं जाना है। वहाँ पे प्राइम मेंबरशिप के नाम से आपसे पैसे वगैरह की मांग की जाती है। हमारे यहाँ पे सब कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहीं से आप ज्वाइन करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये मैच कहाँ पर होने जा रही है उसके बारे में जान लेते हैं सबसे पहले। तो ये मैच जो है होलकर स्टेडियम इंदौर में होने जा रही है। यहाँ की पिच रिपोर्ट की बात करें तो पिच जो है ओवरऑल बॉलिंग पिच है और यहाँ पे पेसर्स बॉलर का ज़्यादा बोलबाला रहने वाला है, ठीक है। और वेदर रिपोर्ट की बात कर तो वेदर जो है यहाँ पे क्लियर रहने वाला है, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा वेन्यू स्टेट्स। तो आज का जो वेन्यू स्टेट्स है वो कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा टोटल मैचेस जो है 3 हुए हैं, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करने वालों ने यहाँ पे 2 मैचेस विन किए हैं और बॉलिंग फर्स्ट करने वालों ने यहाँ पे 1 मैचेस विन किए हैं, ठीक है, 1 मैचेस विन किए हैं। इसका मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉलिंग पिच होते हुए भी 2 मैचेस बैटिंग फर्स्ट करने वालों ने विन किए हैं। और यहाँ पे टोटल टाई जो है यहाँ पे 0 हुआ है। और एवरेज स्कोर की बात करें जो कि यहाँ पे बन सकता है, तो एवरेज स्कोर 210 बन सकता है या फिर 132 तक जो है जा सकता है स्कोर, ठीक है। 132 से अबव आराम से यहाँ पे रन बन सकता है। और हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे 260 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान पे, जो कि इंडिया ने बनाए हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोवेस्ट स्कोर की बात करें तो लोवेस्ट स्कोर जो है 142 बने हैं 9 विकेट के नुकसान पर, ठीक है। सो कुछ इस तरह से है। अब बात करते हैं स्कोरिंग पैटर्न की। तो स्कोरिंग पैटर्न जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं 200 से नीचे जो है एक बार रन बने हैं, और स्कोरिंग बिटवीन 200 एंड 249 के बीच जो रन बने हैं यहाँ पे 0 टाइम रन बने हैं। 249 और 299 के बीच जो है यहाँ पे 0 टाइम रन बने हैं, एक भी बार यहाँ पे रन नहीं बने हैं। और 300 के ऊपर जो है यहाँ पे 2 बार रन बने हैं, ठीक है। 300 के ऊपर यहाँ पे 2 बार रन बने हैं। आप यहां पे देख सकते हैं सबसे ज़्यादा रन जो है 300 के आसपास बने हैं, तो आप यहां पे लेके चल सकते हैं कि 260 के आसपास जो है आराम से रन बन सकते हैं, या फिर 132 जो है उसको क्रॉस कर ही जाएगा यहां पे एवरेज स्कोर जो बनने वाला है वो, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे इंडिया का प्रोबेबल प्लेयर जो कि आज खेले जाने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और यहाँ पे रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह और मुकेश कुमार। तो इतने सारे प्लेयर जो हैं आपको खेलते हुए नज़र आ सकते हैं इंडिया से। और इसमें से जो आपके लिए बेस्ट खेलेंगे वो हो सकते हैं मतलब अक्षर पटेल, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा रवि बिश्नोई, ठीक है, अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार। ये आपको अच्छे फॉर्म में नज़र आ सकते हैं क्योंकि पिच जो है बॉलिंग पिच है, ठीक है। अक्षर पटेल ऑलराउंडर हैं तो ये आपको बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही आपको कमाल करके देने वाले हैं। और शिवम दुबे तो वैसे भी अच्छे खासे फॉर्म में चल रहे हैं, तो शिवम दुबे आपको अच्छा खासा जो है पॉइंट देंगे बैटिंग से, ठीक है। सो चलिए, और ये तो बड़े प्लेयर हैं, ये तो आपको पॉइंट देंगे ही देंगे, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं अफगानिस्तान की, जो कि अफगानिस्तान से प्रोबेबल प्लेयर खेले जाने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है रहमानुल्लाह गुरबच, इब्राहिम जैदरान, अजमतुल्लाह उमरजाई, रहमत शाह, मोहम्मद नबी, नाजिबुल्ला जदरान और करीम जनात, गुलाम नैब और यहाँ पे फजल हक, नवीदुल हक और मुजीबुर रहमान, ठीक है। तो इतने सारे प्लेयर आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं अफगानिस्तान से। तो अफगानिस्तान का जो भी प्रोबेबल प्लेयर है उसमें से आपको सबसे बेस्ट खेलते हुए नजर आ सकते हैं आज यहाँ पे आपको मुजीबुर रहमान, ठीक है, नवीनुल हक, फजल हक, ये जो बॉलर है इनके, इनके बॉलर जो है बहुत अच्छे खेलते हैं, तो इनके बॉलर से आपको अच्छे खासे पॉइंट अर्न कर सकते हैं। इनके बॉलर को आप अपने टीम में जरूर से जरूर सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे अजमतुल्लाह उमरजाई आपको नज़र आ रहे होंगे, ये भी बहुत अच्छे खेलते हैं, और इब्राहिम जदरान, तो इसको आप अपनी टीम में जरूर से जरूर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हेड टू हेड की बात करें तो हेड टू हेड जो है इन दोनों के बीच जो है टोटल मैचेस 5 हुए हैं, जिसमें से इंडिया ने 5 के 5 विन किए हैं और अफगानिस्तान ने
जीरो मैसेज विन किए हैं, ठीक है। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो रिसेंट में जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं दो मैचेस जो है विन किए हैं अफगानिस्तान ने और दो लूज किए, एक न्यूट्रल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया का, तो इंडिया ने यहाँ पे टोटल चार मैचेस विन किए हैं, एक लूज किए हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ट्रम्प कार्ड प्लेयर, तो आज का जो ट्रम्प कार्ड प्लेयर है वो कुछ इस तरह से होने वाला है, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, डब्लू सुंदर, फजल हक, नवीन उल हक और इब्राहिम जदरान, ये जो प्लेयर हैं आपको मैच विन करा सकते हैं, ये आपके गेम चेंजर प्लेयर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप 5 से 6 टीमों में जरूर से जरूर सेलेक्ट कर लेंगे अगर आप 5 से 6 टीम बनाते हैं तो, नहीं तो आप इसे 20 टीम बना रहे हैं तो उसमें भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो यहाँ पे रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन आपको नजर आ रहा होगा विराट कोहली, डब्लू सुंदर, रवि बिश्नोई और मोहम्मद नबी, ठीक है। तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है कैप्टन वाइस कैप्टन में, जो कि रिस्क वाला होगा, जीएल वाला होगा, ठीक है। ये आपको जीएल विन करा सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, सेफ से आप एक उठा लेंगे कैप्टन और एक रिस्की से उठा लेंगे, ठीक है, वाइस कैप्टन। तो इस तरह से अगर आप उठाते हैं तो ये भी आपको जीएल विन करा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते हैं तो आप जीएल विन कर सकते हैं अगर आप रिस्क लेते हैं तो, नहीं तो सिर्फ अगर सेफ में खेलना चाहते हैं तो ये आपके एसएल के कैप्टन वाइस कैप्टन है, जो कि आपको स्मॉल लीग विन करा सकते हैं, रोहित शर्मा, अर्शदीप सिंह, सुमन गिल और यहाँ पे इब्राहिम जदरान आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये आपको सेफ वाले कैप्टन वाइस कैप्टन मिल जाते हैं यहाँ पे, जो कि आपको एसएल आराम से विन करा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा फिक्स कॉमन प्लेयर, ये फिक्स कॉमन प्लेयर जो है आपको सभी टीमों में फिक्स कर लेना है, ये सब टीम में आप फिक्स करेंगे तभी आप अच्छे खासे पॉइंट अर्न कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे पहले नजर आ रहा होगा रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, जितेश शर्मा, इब्राहिम जदरान, आर गुरबज और यहाँ पे नवीन उल हक। तो ये प्लेयर को आपको सभी टीमों में फिक्स कर लेना है, ये एक से बढ़कर एक प्लेयर है, ये आपको बहुत ही अच्छे पॉइंट देने वाले हैं। इसको आप अगर टीम में रखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके डीटी प्लेयर आने के चांसेस हैं और आप यहाँ पे ड्रीम टीम में आ सकते हैं और आप जीएल एसएल विन कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको आप जरूर से जरूर अपनी टीम में सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा जीएल रोटेटिंग प्लेयर, फिक्स प्लेयर के अलावे जिसे आपको सेलेक्ट करना है या फिर रोटेट करना है टीम में, तो ये आपको नजर आ रहा होगा रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, डब्लू सुंदर, रवि बिश्नोई, शिवम दुबे और नजीबुल्लाह जदरान, ठीक है। तो ये जो प्लेयर हैं आपको रोटेट करना है, तो कैसे रोटेट करना है, तो आपने रोहित शर्मा और सुमन गिल को फर्स्ट टीम में आपने रख लिया, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया, सेकंड टीम में आपने विराट कोहली और डब्लू सुंदर को सेलेक्ट कर लिया कुछ इस तरह से, थर्ड टीम में आपने रवि बिश्नोई और शिवम दुबे को सेलेक्ट कर लिया, ये आपके थर्ड टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपके जीएल रोटेटिंग प्लेयर हो जाते हैं जिसको आपको रोटेट करना है सभी टीमों में, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा स्मॉल लीग, स्मॉल लीग में आपको किसे सेलेक्ट करना है ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट बनेंगे और आप एसएल विन कर सकेंगे। तो स्मॉल लीग में आपको इंडिया से सेलेक्ट करना है शिवम दुबे और अक्षर पटेल को, ठीक है। और यहाँ पे अफगानिस्तान से मुजीबुर रहमान और अजमतुल्लाह उमर जाई को सिलेक्ट कर लेंगे ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट बने और आप एसएल और एमएसएल विन कर सकें, स्मॉल लीग और मिनी स्मॉल लीग आप विन कर सकें। इसके लिए आपको इन चारों प्लेयर को सिलेक्ट करना ही करना है, ठीक है। अगर आप ग्रैंड लीग विन करना चाहते हैं, जीएल विन करना चाहते हैं, तो आपको पहले ही मैंने बताया हुआ है कि आपको रिस्क लेना होगा। अगर आप रिस्क लेते हैं तो यहाँ पे इंडिया से आपको सिलेक्ट करना होगा रवि बिश्नोई, विराट कोहली, अफगानिस्तान से नवीन उल हक और फजल हक, ठीक है। इनको अगर आप सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा भी रिस्क लेते हैं, तो आप जीएल विन कर सकते हैं, ठीक है, ग्रैंड लीग विन कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेथ ओवर बॉलर की, डेथ ओवर बॉलर में किसे सेलेक्ट करना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट मिले विकेट लेके, ठीक है। अगर एक बॉलर 3-3 विकेट निकालते हैं तो आपके अच्छे खासे पॉइंट बन जाएंगे, अगर आपने उनको कैप्टन बना लिया तो आपके बल्ले बल्ले हैं, आपने जीएल समझो विनिंग कर लिया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको बॉलर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा इंडिया से मुकेश कुमार और अर्शदीप सिंह, तो इनको आप सेलेक्ट करेंगे डेथ ओवर बॉलर में, ठीक है। अफगानिस्तान से फजल हक और नवीन उल हक को आप सेलेक्ट कर लेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट मिले, ये लोग आपको विकेट लेके देंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट अर्न करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की, तो कैप्टन वाइस कैप्टन में आपको सेलेक्ट कर लेना है विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, यहाँ पे मोहम्मद नबी और यहाँ पे मुजीबुर रहमान, साथ ही साथ यहाँ पे आप शिवम दुबे को भी रख सकते हैं,
ठीक है, और इसको रोटेट करना है सभी टीमों में। फर्स्ट टीम में आपने इन दोनों को बना लिया, विराट कोहली रोहित शर्मा, सेकंड टीम में आपने विराट कोहली और मुजीबुर रहमान को बना लिया, ठीक है, और यहाँ पे रोहित शर्मा और फिर मोहम्मद नबी को बना लिया। इस तरह से आपको सभी टीमों में कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एक टीम मिल गया होगा जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है, साथ में मैं आपको बता दूंगा किसे चेंज करना है, किसे रखना है अपने टीम में, किसे ड्रॉप करना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से है, सबसे पहले हमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है आर गुरबज को, फिर रोहित शर्मा और शुभमन गिल को। आप चाहें तो यहाँ पे विराट कोहली और शिवम दुबे को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। शिवम दुबे फिलहाल ऑलराउंडर में खेल रहे हैं, तो ऑलराउंडर में आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अक्षर पटेल और एम नबी और ए उमर जाय को ऑलराउंडर में सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा मुकेश कुमार, नवीन उल हक, अर्शदीप सिंह और बिश्नोई। इस तरह से हमने सेलेक्ट करा है, अपना टीम बनाया है, ठीक है। और इस टीम में आपको 5 से 6 टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको फाइनल टीम जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में, तो वहाँ से आप हमें जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन किसे बनाना है। तो फर्स्ट टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन हमने बना रखा है ऑलराउंडर से। बॉलिंग पिच है तो ऑलराउंडर से हमें ज़्यादा फायदा मिलेगा, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से। तो हमने अक्षर पटेल और शिवम दुबे को कैप्टन वाइस कैप्टन बना रखा है। ये हमारे फर्स्ट टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाता है, फर्स्ट टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन, ठीक है। और यहाँ पे गिल और गुरबज को बना लेंगे, ये हमारे सेकेंड टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाता है। यहाँ पे रोहित शर्मा और यहाँ पे शिवम दुबे को बना लेंगे, ये हमारे थर्ड टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाता है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा नवीन उल हक और मुजीबुर रहमान को, अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो मुजीबुर रहमान के साथ आप जा सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन में। साथ में आपको यहाँ पे हम बोलेंगे नवीन उल हक और ए उमर जाई को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे फोर्थ टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन इन दोनों को बना लेंगे, ठीक है। और बिश्नोई और अर्शदीप सिंह को बना लेंगे, कुछ इस तरह से हो जाता है। मुकेश कुमार और यहाँ पे नवीन उल हक को कैप्टन वाइस कैप्टन बना लेंगे, ये आपके हो जाते हैं फिफ्थ टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन, ये सिक्स टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन, ठीक है। तो इस तरह से आपके हो जाते हैं। ए उमर जाई और यहाँ पे शिवम दुबे को बना लेंगे, ये आपके सेवेंथ टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाते हैं, ठीक है। सो कुछ इस तरह से है पूरा टीम, आप चाहें तो इसे पॉज करके देख सकते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, साथ ही साथ कमेंट कर दीजिए। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा हमारे टेलीग्राम चैनल का यूज़र आईडी और हमारे इंस्टाग्राम का यूज़र आईडी सेम है, ठीक है। @IndianYouTuberDeepakJain, कोई स्पेस कोई अंडर स्कोर नहीं लगाना है, @ लगा के फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी के स्मॉल आपको डाल देना है। सर्च करके अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, नहीं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी चीज़ें हमारे यहाँ पे बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराया जाता है, बिल्कुल फ्री, ठीक है। टीम से लेकर फैंटेसी अपडेट तक सारी चीज़ें यहाँ पे आपको फ्री में मिलते हैं हमारे टेलीग्राम पे, ठीक है। सो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और कैसा लगा ये वीडियो जल्दी से जाकर कमेंट करके बताइए। आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।